वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसी मलाई से हम घर पे ही वाइट बटर बना सकते हैं। तो आज मैं यही आपको दिखाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्रीजर में रख के तो पूरा जम जाता है, तो ये पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए, इसलिए आप बाहर रख लीजिएगा एक दो घंटा। अब हमारा ये पूरा मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें से वाइट बटर निकालेंगे। मैंने इसको एक बर्तन में डाल लिया है, अब इसमें हम दो चम्मच पानी डाल लेंगे, ये वाला इससे ही जो चम्मच मैं यूज कर रही हूँ। अब मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया है, ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर है, अगर आपके पास नॉर्मल वाला है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम ठंडा पानी यूज करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। अब देखेंगे थोड़ा थोड़ा फॉर्म होने लग गया है बटर। तो देखिए हमारी मक्खन बन चुकी है, अच्छे से फ्लोट हो रही है उस पानी में, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए मक्खन निकाल के अच्छे से स्क्वीज कर लीजिएगा ताकि उसका पानी पूरा निकल जाए। इसमें हमने करीब एक ग्लास पानी डाला होगा ठंडा पानी। देखिए कितना अच्छा सा व्हाइट बटर बन गया है, सफेद मक्खन। हम इसे घर पे ही आसानी से बना सकते हैं। ये 100 ग्राम के करीब बना होगा। मैंने 15 दिन जैसे बोला था आपको, 15 दिन मलाई जमा करके उसमें से निकाला है ये। तो हम एक लीटर लेते तो हमें इतना जमा है, किसी के घर पे ज्यादा दूध लेते तो ज्यादा बन जाएगा और किसी के घर पे कम लेते हैं तो कम बन जाएगा, लेकिन बटर बनाना बहुत ही आसान है। और उसके बाद ये जो पानी हमने जिसमें से मक्खन निकाला है, ये पानी को भी वेस्ट नहीं करना, इसको ऐसे बटर मिल्क भी आप पी सकते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के बटर मिल्क बना के पी सकते हैं, या तो दही जमा सकते हैं, लो फैट दही जम जाएगी इसमें अच्छे से, तो ये आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके कुछ टिप्स हैं, जैसे आपको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना है मलाई को, तभी ये अच्छा रहेगा। कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लीजिएगा और उसमें इसको मलाई को जमा करते हुए आइएगा। इसमें जो जमा कर रहे हैं हम, उसको हमें फ्रीजर में रखना है। फ्रीजर में रखने से 2 महीने तक हम इसको कलेक्ट करके आ सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं, फ्रिज के कंपार्टमेंट में, रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं, तो इसको 2-3 हफ्ते तक आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको फ्रीजर में रखें। टिप मेरा ये होगा कि अगर जब आप हैंड ब्लेंडर से करते हैं वो पानी में डाल के, पानी और बटर अलग अलग हो जाता है, तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि बटर बनने लग गया है। तो अगर आप हाथ से निकालेंगे और उसको गोला बनाएंगे तो वो गोला बन जाएगा। ऐसे बनने से इसका मतलब है कि हमारा वाइट बटर बन गया है। अगर नहीं बना तो थोड़ी देर और चर्न कीजिएगा। फ्रेश बटर है तो आप ऐसे टोस्ट में डाल के खा सकते हैं या पराठे में डाल के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी यम्मी होगा, क्योंकि हमने घर पे फ्रेशली बनाया है। नहीं तो आप इसको घी बना के भी रख सकते हैं, जैसे मैंने अपने एक लड्डू वाले वीडियो में दिखाया था कि फ्रेश बटर से कैसे हमने घी बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या एंड में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो आप इस बटर से घी भी बना सकते हैं। घर पे बना है तो फ्रेश है और केमिकल फ्री है और बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा
और मेरे को बताइएगा कैसा बना आप। प्लीज़ मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।